क्या आपको पता है दोस्तों, कुछ दिनों बाद हो सकता है कि आप घर बैठे, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड-19 के, तो आप खुद ब खुद घर पर ही अपना टेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानकारी लेकर आए हैं क्या है माइलैब कोविशेल्फ किट और क्या कहाँ से खरीदें और कैसे इस्तेमाल करें। स्वागत है दोस्तों आपके ट्रेंडिंग फैक्ट्स के इस चैनल पे। आज हम इसी की पूरी जानकारी देखेंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोविशील्ड जो किट है वो एक RAT रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है, जो कि आपने देखा होगा कई जगह पे तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है, वही एक तरह की किट है। और इसे बनाया गया है माइलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन मुंबई द्वारा, और जिसको आप घर बैठे खरीद सकते हैं और खुद ब खुद टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना डॉक्टर के पर्चे के, यहाँ आपको डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के आप वो नहीं करवा सकते, पर कुछ ही दिनों में आप ऐसा कर सकेंगे। दोस्तों इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं सुजीत जैन हैं। चलिए दूसरी जानकारी निकल के आ रही है कि आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और कुछ दिनों में ये आपकी मेडिकल दुकानों पर भी अवेलेबल होगी। ठीक है दोस्तों, ये किट आपको 250 रुपये के लगभग मिलेगी, अभी जानकारी निकल कर आ रही है। ये इसकी एक किट की खास बात यह है दोस्तों, पहली खुद इस्तेमाल किट है, पहली सेल्फ यूज किट है, जिसे मान्यता प्राप्त है किसकी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल साइंस की। बहुत ऑनरेबल, बहुत ही सम्माननीय काउंसिल है हमारे इंडिया की, उसने इस किट को मान्यता दी है। अगली जानकारी देखिए, अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो इसका मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। स्टेप क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐप स्टोर पे जाना है, तो माई लैब का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको किट का इस्तेमाल करना है, उसका सैंपल लेना है, स्ट्रिप पे डालना है, उसकी एक पिक लेनी है, उसके बाद उसको ऐप पर अपलोड कर देना है। उस जो पिक होगी वो पिक जाएगी ICMR के टेस्टिंग सर्वर्स पर, वहां से आपको बताया जाएगा कि किट का रिजल्ट क्या है, क्या है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे वहां के कि पॉजिटिव होने पर क्या करना है, नेगेटिव होने पर क्या करना है। हालांकि दोस्तों अगर आप नेगेटिव भी आए हैं तब भी आपको संदिग्ध यानी सस्पेक्ट की तरह ही माना जाएगा, और आपको होम आइसोलेशन की सलाह दी जाएगी जब तक आपका RT-PCR का रिजल्ट नहीं आ जाता। ठीक है दोस्तों, अगली जानकारी ये है कि देखिए, जो RAT टेस्ट होता है वो आपके शरीर में वायरस के एंटीजन प्रोटीन, ये जो एंटीजन प्रोटीन होते हैं वायरस के सरफेस पे, जैसे कि ये हमारा वायरस है तो यहाँ पर ये एंटीजन प्रोटीन होते हैं, इसकी पकड़ करता है, इसको चेक करता है। देखिए दोस्तों, पर यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये जो टेस्ट है RAT टेस्ट, वो कई डॉक्टर डायग्नोस के लिए, इलाज के लिए नहीं मान्य करते, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी है यानी कि सही परिणाम देने की दर है, यानी कि अगर आपका टेस्ट हुआ तो वो बिल्कुल सही हुआ होगा, इसकी जो दर है वो बहुत ही कम है RT-PCR के मुकाबले। तो कम सही पढ़ना आपके लिए बहुत जाना जाता है, ये एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर डॉक्टर RT-PCR को ही प्रिफर करते हैं। तो अगर आप इन सब बातों को ध्यान में रखें, याद रखें कि अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तब भी आप सस्पेक्ट माने जाएंगे। तो कमेंट करके बताइए कि अगर ये किट आएगी तो आप इसे खरीदेंगे या नहीं। ये सारी थी जानकारी माई लैब कोविशील्ड किट के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका आंसर करूंगा। और अगर आपको जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो ट्रेंडिंग फैक्ट्स के इस चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपका सब्सक्राइब हमें प्रेरणा देता है आगे और काम करने की। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।